माम करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइप्रस। हाँ हाँ, लाडू हमारा माम करेगी, तो मैं लाडू का लंच शेयर करूंगी आपसे। लाडू हमारा खिचड़ी खाते हैं। हाँ बेटा, माम क्या क्या डालती हूँ मतलब खिचड़ी में, वो दिखाऊंगी आप सबको। नो बेटा, चलो चलो चलो, हम लोग जाएंगे किचन। बाबू बाबू छोड़ ना, किचन में जाएंगे। चलिए दिखाती हूँ लंच कैसे बनाती हूँ मैं। तो देखिए, ये सब सब्जी है। फूलगोभी का 2 टुकड़ा डालती हूँ, ये आपका केला का 1 टुकड़ा डालती हूँ, 2 गाजर है, बीन्स है, मटर है और पपीता। पपीता उसको बहुत पसंद है तो पपीता ही डालती हूँ। ये है हमारा दलिया। दलिया डालती हूँ आपका मात्र 1 चम्मच। और मूंग दाल में पहले से ही इसको थोड़ा भूज लेती हूँ। बस मूंग दाल इतनी ही डालती हूँ, 1 मुट्ठी। थोड़ा थोड़ा तो बच्चा का पेट कितना बड़ा है। और राइस भी इतने ही डालते हैं, 1 चम्मच मात्र। तो देखिए तीनों मिलाकर कितना हुआ है। दाल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अब ये सबको मैं पानी में डाल के धो लेती हूँ। तो धो के डाल दी हूँ मैं कुकर में, 1.5 गिलास पानी है। और मैं ये सब्जी सबको थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा काटती हूँ, क्योंकि कम बनाते हैं ना तो जल्दी से सिझता नहीं है, तो उसको ज़्यादा सीटी मराना पड़ता है, 5-6 सीटी मराना पड़ता है मुझे। हल्का हल्का हल्दी और नमक बहुत कम डालती हूँ। नमक अभी बनाइएगा तो नमक कम डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालूँगी। देखिए इतना ही नमक डालूँगी इसमें मैं, और बाद में कम होगा तो इसमें काला नमक डालकर खिलाऊँगी उसको। तो जब तक हमारा खिचड़ी सीटी मार रहा है तब तक मैं फूटन रेडी करती हूँ। बिना तड़का का नहीं खाती है वो। फूटन मतलब क्या? तड़का जो खिचड़ी में मैं लगाऊंगी अभी। तड़का लगाने के लिए मैं देखिए छोटा सा प्याज और छोटा सा टमाटर, इसके बगैर वो नहीं खाएगी। बिना तड़का का नहीं खाने वाली है वो। और मैं कढ़ाई को मतलब तड़का लगाने से पहले गर्म करने से अच्छा से धुआ देती हूँ। कितने के खाने पीने पर मर जाएंगे, बच्चा का बन रहा ना, इसीलिए अपना बनाती तो नहीं धोने से चलता है। कढ़ाई तो धोए रहती हूँ लेकिन फिर भी गर्म पानी से और एक बार धुलाई कर देती हूँ, साफ हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से। और देखिए मैं इतने ही तेल डालती हूँ, मात्र 1 चम्मच, अभी छोटा चम्मच है। घी में लगा रही थी, घी इसको सूट नहीं किया, खिचड़ी में पसंद नहीं की घी, इसीलिए मैं सरसों तेल में उसको तड़का लगाती हूँ। अब पता नहीं समझ किसे जाती है कि तड़का नहीं लगाई है मम्मी और नहीं खाती है, फेंक देती है। मैं 2-3 बार ट्राई की बिना तड़का का उसको खिलाने का, लेकिन नहीं खाई, खड़ी चलते रहे। और बस देखिए थोड़ा सा जीरा डालते हैं हल्का सा। बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ जाती है मम्मी क्या डाली है और क्या नहीं डाली है। और खिचड़ी उसको बहुत पसंद है, उसको दलिया दीजिए या ही खिचड़ी, दलिया खिचड़ी सब मिक्स करके बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। अभी यदि उसको आप सेरेलेक्स दे देंगे ना तो बिल्कुल नहीं खाएगी। अभी उसको 12:30-12 बजे खिचड़ी ही चाहिए जैसे भी, इसलिए मैं डेली बनाती हूँ उसके लिए। और शाम को खाती है वो सेरेलेक्स के 7 बजे खिलाती हूँ। अभी जिंदगी तेज पता नहीं चल रहा ना, बोल रहे हैं हल्का सा तेल डालती हूँ, बस एक ही चम्मच डालती हूँ। अभी ज़्यादा खिचड़ी भी नहीं मारा है मेरा सबसे, अब उसको लाल कर दूँगी ऐसे ही धीरे धीरे। बस वो सुबह में पकाते हैं। हाँ फैन कहाँ है बेटा? हाँ हाँ, लड्डू फैन को फा बोलती है। लड्डू फैन कहाँ है बेटा? फैन कहाँ है बेटा? तो अच्छी तरह से बोल दो, सबके सुन रहे हैं। फा मेरे बच्चों, फा बोलते, फा फैन बेटा, फैन फैन फैन। मम्मा माम बना रही है लाडू के लिए, लाडू अभी ना आई है। चलो ए लड्डू, भैया बोलते तो भैया भैया बोल के सुना दो सबको। भैया भैया बोलो, अच्छी तरह से बोलो। दलिया को थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए 7-8 सीटी उसको, 7 सीटी तो कंपलसरी है, 8 सीटी मारे तो ज्यादा ही अच्छा है, मेल्ट हो जाएगा पूरा। और थोड़ा सा कच्चा भी है, थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। मिर्च नहीं डालती हूँ, बच्ची है मिर्च अभी नहीं दे रही हूँ, बड़ी हो तो खुद डिसाइड कर ही मिर्च खाना है कि नहीं खाना है उसका, अभी बस इतना है उसको अच्छा लगता है। बन गया है, अब डाल दूंगी मैं इसमें लाडू का मेरा खिचड़ी।
और इधर मार चुका है मेरा ये 7 सीटी कुकर, अब निकालूंगी। अब उधर मेरा तड़का भी रेडी है, अब इसको डालना है मुझे। तो देखिए हमारा खिचड़ी, थोड़ा सा पानी पानी रखती हूँ मैं, देखिए अब डालूंगी, रुकिए दिखाती हूँ। अकेला वीडियो बनाती हूँ, अकेला ही सब करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। ये दिखाने वाला रहता तो अच्छे तरह से, मतलब अच्छी तरह से दिखा देती, कोई है नहीं घर में, नहीं है। देखिए और थोड़ा सा इसको यहाँ पे डबकाऊंगी, डबक जाएगा तो निकाल लूँगी। रेडी हो गया जी, रेडी। देखिए थोड़ा पानी पानी है ना, चलेगा, ऐसे ही खाती है, क्या करेंगे, गाढ़ा नहीं खाती है। उसको पूरा गाढ़ा कर देंगे तो उसको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी पानी की हूँ इसको, मतलब उतना भी पानी पानी नहीं है। देखिए खिचड़ी हो गया है मेरा रेडी, अब लाडो का पानी गर्म हो रहा है, उसको अब नहलाऊंगी मैं, नहलाऊंगी उसके बाद उसको खिलाऊंगी। मैं नहीं नहलाती हूँ आज, आज उसके पापा हैं, जा रही हूँ, बोलूँगी तुम नहला दो उसको। हाँ ओ बेटा, अच्छा है, लाडो डेली साबुन नहीं लगाती है, उसको एक दिन चोर के लगाती है। नहा रही है बेटा, लाडो नहा रही है बाबू, नहालो नहालो नहालो, पानी नहीं फेंकना बेटा, पानी नहीं फेंकना बेटा, बोलने से पानी फेंक दे रही है। और आज उसके पापा नहला रहे हैं उसको, मैं नहीं नहला रही हूँ, मैं सिर्फ उसको पानी में डाल के आ गई हूँ। डेली मैं नहलाती हूँ ना, इसीलिए पानी में मैं नहीं डालूंगी तो नहीं जाएगी वो अंदर। अब उसका कपड़ा मैं कर ले रही हूँ रेडी, उसका चॉइस कुछ नहीं है, जो भी पहनाइए खुशी खुशी पहन लेती है। ये मार रही है पापा को, बाबू खुश हो रही है, खुश हो रहा बेटा मेरा। लड्डू खा रही है, खा, क्या कर रही है बेटा, खा। हाँ लाडू को थोड़ा सा तेल लगाती नहाने के बाद, ड्राई स्किन है ना इसका, इसमें थोड़ा तेल लगाना पड़ता है मेरे को। तुम क्या करती है बेटा, हाँ भैया भैया, हाँ हाँ भैया जाएंगे, भैया इसको हमेशा याद रहता है, हाँ भैया भैया, खाना के साथ में भैया, हाँ दीदी। तो लाडो हमारी लंच के लिए पूरा रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं, हाँ बेटा, हाँ हाँ दे रही हूँ, दे दो मेरे को, दे दो खाना, दे दो, है ना बेटा। हाँ तो आप सबको हमारा लाडो का लंच कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, मुझे वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू, बाय 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 बाय।